नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज है 9 अप्रैल और दिन है रविवार का। आज के दिन तक के दशाश्वमेध मार्ग में क्या अपडेट है उसे इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ये खूबसूरत दृश्य आप देख रहे हैं सामने में गोदौलिया चौराहे का। और चलिए अब गोदौलिया चौराहे से आगे बढ़ते हुए सीधे गोदौलिया आपका दशाश्वमेध मार्ग तक आपको ले चलते हैं और वहां का अपडेट देते हैं। ये सीधे चले जाएगा आपका दशाश्वमेध मार्ग की तरफ। रविवार का दिन है और 9 अप्रैल, काफ़ी चटक धूप है। शाम के करीब 4 बजने को हैं। चौक में देख रहे हैं नंदी जी की प्रतिमा है। सामने में आपका पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग स्थल। काफ़ी चटक धूप है और जैसा कि आप देख रहे हैं भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे शाम होते जाएगी, दिन ढलेगा, वैसे से ये भीड़ और भी बढ़ते जाएगी क्योंकि आरती का वक्त काफ़ी भीड़ रहती है। इस मार्ग में आप देखेंगे तो आधा से ज़्यादा अतिक्रमण है, आपको सिर्फ मोटरसाइकिल का मिलेगा, जिस पर प्रशासन रोक लगाने में फ़िलहाल अभी नाकाम है। लाइन से आप देखेंगे इस मार्ग में आपको सिर्फ बाइक खड़ी हुई मिलेगी एक तरफ, जो आधा से ज़्यादा मार्ग की चौड़ाई को कम कर देती है। फुटपाथ पे भी लोगों का दुकानदारी है और सड़कों पर मोटरसाइकिल का कब्जा। ये दृश्य आपको कुछ कुछ यहाँ का विंध्याचल कॉरिडोर का आपको महसूस होगा। किनारे तरफ जो रेलिंग लगा है सेम इसी पैटर्न पर विंध्याचल कॉरिडोर में सड़क के किनारे रेलिंग लगाया हुआ है। चलिए आ गए हैं हम दशाश्वमेध मार्ग की तरफ। यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको इसका अब धीरे धीरे यहाँ भी अब सफाई की जा रही है। ये आप देख रहे हैं इस मार्ग में भी अब धीरे धीरे दोनों तरफ इस प्रकार की सफाई व्यवस्था की जा रही है। चलिए आपको अब मार्ग का अपडेट मैं आपको दूँ। इस सामने में दशाश्वमेध मार्ग है और इस मार्ग में आज क्या अपडेट है उसे वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। शुरुआत में देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर पिलर लगाया जाएगा। और ये मार्ग देख रहे हैं कितना चौड़ा मार्ग है। ये दोपहर के वक्त यहाँ सब्जियों की दुकानें जो है वो हट जाती हैं, जिसके कारण इस मार्ग का चौड़ाई आपको समझ में आएगा कि काफ़ी ज़्यादा है। ये पोल भी आपको यहाँ से अब धीरे से हटाया जाएगा और ये आगे चले जाएगा घाट की तरफ। और एक तरफ आप देख रहे हैं एक तरफ पार्क है और दूसरी तरफ ये मार्ग, काफ़ी चौड़ा मार्ग। दूर आप देख रहे हैं दशाश्वमेध भवन और ये सामने की तरफ चितरंजन पार्क। ये आप देख रहे हैं काफ़ी चौड़ा ये मार्ग हो चुका है। इस समय आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा क्योंकि सभी दुकानें नीचे से हट गई हैं और सड़क मार्ग कितना चौड़ा है वो आप देख रहे हैं। फिलहाल काम यहाँ पर अब बचा हुआ है वो है आपका पार्क। ये आप देख रहे हैं ये बाउंड्री वॉल है और यहाँ अतिक्रमण के बाद
इस प्रकार रोड को चौड़ा कर दिया गया है। और ये आप चितरंजन पार्क का दृश्य देख रहे हैं। अब इस यहाँ से चितरंजन पार्क से धीरे धीरे अब मलबा हटाने का काम चल रहा है। अब चलिए चलते हैं आरती वाले मार्ग का आपको अपडेट दें। इस मार्ग की भी चौड़ाई देख रहे हैं किस प्रकार चौड़ी हो गई है, क्योंकि सड़कें पूरी तरीके से बनने के बाद अब पार्क का सौंदर्यीकरण काम चल रहा है फिलहाल। ये आप देख रहे हैं ये पार्क। चलिए आगे की तरफ चलते हैं आपको लेकर। ये चले जाएगा सीधे आप दशाश्वमेध घाट के लिए, जहाँ पर आरती स्थल है। और फिलहाल इस मार्ग की चौड़ाई आप देखिए, दोनों तरफ से अतिक्रमण हटने के बाद, और ये आप दीवार देख रहे हैं जिसको आगे तक के बढ़ाया जा रहा है। चलिए वहाँ भी आपको दिखाएं। फिलहाल ये चले जाएगा सीधे आगे घाट के लिए। और इस तरफ आपको दिखाऊं तो ये दीवार का यहाँ पर काम चल रहा है। लेकिन अतिक्रमण देख रहे हैं, पूरा मोटरसाइकिल का अतिक्रमण एक बार फिर से सड़क चौड़ी होने के बाद। ये आप देख रहे हैं राजेंद्र प्रसाद घाट मार्ग। यहाँ सड़कें तो करीब करीब चौड़ी हो गई हैं, लेकिन मोटरसाइकिलों का यहाँ भी अतिक्रमण लाइन से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ भी भीख मांगने वालों का जमावड़ा है। आप देखा राजेंद्र प्रसाद मार्ग में किस प्रकार यहाँ पर काम अभी भी चल रहा है काफी तेज गति से। और ये अब सीधे चले जाएगा गोदौलिया की तरफ। काम में काफ़ी तेजी है और एक बार फिर से अतिक्रमण हटना जरूरी है, क्योंकि सड़कें तो चौड़ी हो गई हैं, अतिक्रमण भी हट गया है, लेकिन मोटरसाइकिल ये सभी का अतिक्रमण यहाँ पर अभी फिर से एक बार है।